हेलो जी, राना मारा व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? होप करते हो आप अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। और आज है संडे और मैं व्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ। दोपहर के बज चुके हैं 12 और घर के सारे काम हो चुके हैं, बस लंच तैयार करना है। और पीछे जो व्लॉग बनाए थे ना, तो थोड़े थोड़े रह गए, तो अब कंप्लीट नहीं कर पाई थी। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है और मौसम भी बहुत चेंज हो रहा है। ऑलमोस्ट सारे वुलन के कपड़े निकाल दिए हैं, पहले ही निकाल दिए थे, और ब्लैंकेट वगैरह मतलब बेड में से निकाल दिए थे वुलन कपड़े, उनको वॉश कर दिया था। और जो रजाई है बच्चों की और मेरा ब्लैंकेट है, सबको मैंने ट्रैकिंग करवा दिया है। बाकी इतने सारे काम होते हैं ना करने के लिए कि कहीं ना कहीं मैं व्लॉग बनाना भूल जाती हूँ, लेकिन अब ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। सीरियसली घर के इतने सारे काम होते हैं ना कि पता ही नहीं चलता दिन कब चला जाता है। कांच के ग्लास मेरे दो ही बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, बाकी डुगुआ इन्होंने सब तोड़ दिए हैं। सारे मेरे बर्तन धो के लगा भी दिए हैं। यहाँ आइनू अपना जूस पिएगी, चश्मा मैडम के लगी चुका है, पता ही है आपको। से हेलो टू एवरीवन आइनू। हाय गाइस, देख के बोलते हैं यार। हाय गाइस। और ये दाल मैंने उबाल दी है और अभी मैं दाल में तड़का लगाऊंगी, फिर शायद शायद क्या आइनू कह रही है मम्मा मुझे कुछ लेना है, मेरे साथ मार्केट चलो, तो मैं जाऊंगी। कल शाम को सारे कपड़े धोए थे मैंने, अभी कुछ सूखे हैं कुछ नहीं सूखे हैं। सोच रही हूँ बाहर धूप आ रही है तो बाहर स्टैंड को खड़ा कर देती हूँ। आइनू के साथ मिल के बच्चों की यूनिफॉर्म भी धो दी है मैंने, और यहाँ बच्चे बाहर खेल रहे हैं और धूप भी अच्छी आ रही है। वैसे तो हल्की है लेकिन अच्छी आ रही है, मौसम भी अच्छा हो रहा है। सो गाइस, हम आ चुके हैं मार्केट और आइनू को अपने लिए कुछ लेना था, वो चूज कर रही है, मैं आके बैठ गई हूँ। देखते उसको क्या पसंद आएगा, मुझे बस एक छोटे मोटे काम है फिर उसको निपटा लूंगी। जोहर की नमाज पढ़ के उसके बाद बस अभी थोड़ी देर हुई है हमें निकले हुए घर से, क्योंकि घर के पास ही है मार्केट। बच्चों को भी बस कभी ना कभी कुछ ना कुछ लेना होता है, तो ठीक है ले लेगी। इसके डैडी ने बोला है कि इसको दिला दो जो चाहिए। देख लो अपने लिए पिन, देख लो ये वाला ऐसा या फिर ऐसा वाला, ये रेड कलर का, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, ये रेड वाला छोटे मोती में दिखाओ। तो जी गाइस, मार्केट से आने के बाद फटाफट से मैंने हैंड वॉश करे, उसके बाद मैंने फटाफट से दाल में तड़का लगाया। बच्चों को भूख लगी है, आइनू को मुझे सैलेड भी मैंने रेडी कर दिया, आटा गूंदा हुआ था पहले ही। फटाफट से अब हम खाएंगे खाना, और मौसम भी बस ठंडा ही हुआ है और बादल ही हो रहे हैं वैसे तो। गाइस, इधर बन गई है, मेरा दूध भी उबल गया है और मेरी चाय भी बन गई है, और मैं बहुत देर से किचन में खड़े खड़े अपनी रील्स ही देखे जा रही हूँ और उसको अपडेट भी किया है। तो पीते हैं हम चाय। पूजा बेटा जल्दी कर। और गाइस, यहाँ प्रेस करके मैंने अपना सूट रखा है, इस पर गुजर रहा था, बस जैसे ही स्टिच होके आया तो मैंने ऐसे ही रख दिया था बैग में, और अभी मैंने इसको स्टिच करा है। ये इसका दुपट्टा है, कैमरे में बहुत लाइट लग रहा है लेकिन वैसे बड़ा ही खूबसूरत है, क्योंकि आज मेरी सिस्टर की देवर की सगाई है तो वहाँ जाना पड़ेगा मैं, तो मैं होती हूँ रेडी। गाइस, ये रहा मेरा सूट, और हल्के हल्के पिंक चूड़ियाँ भी डाल लिया मैंने, अच्छा ही लग रहा है वैसे तो। लो जी गाइज, हम पार्टी में पहुंच चुके हैं। छोटी सिस्टर के देवर की सगाई है, छोटी सिस्टर की बेटी रोने में बिजी है, वो उसको संभाल रही है, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर लग रही है मेरी छोटी सिस्टर। और मैं यहाँ पे बैठ के सोच रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। नीलू भी अच्छी लग रही है, सोनम भी अच्छी लग रही है, और मैं भी अच्छी लग रही हूँ। और आइनू फ़ोन चला रही है, और पिंक सूट बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे पे, मेरा फेवरेट कलर है बेबी पिंक। और यहाँ पे पार्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही हमारी, और डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। आइनू मस्ती कर रही है एकदम घूम के इधर उधर, आइनू ने भी बेबी पिंक डाला है। और यहाँ पे मैं आरिस के साथ खेल के और फिर हम घर आ गए। बाय बाय गाइस।